ठीक है। ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इसका हर ग्रुप इन सिंपल वर्ड। ठीक है, G1, G2, G3 एंड GN विल बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन जी। बाइनरी जी मीन बाइनरी ऑपरेशन, स्टार मीन बाइनरी। अच्छा, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो बताना। बाई से निकला, मैंने पहले बताया बाई मीन टू ऑपरेशन, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वन टू ऑपरेशन है ना, वन इज प्लस एंड टू इज मल्टीप्लिकेशन। अब कहोगे व्हाट्स अबाउट दी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो व्हाई आई हैव एक्सक्लूडेड दी सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, व्हाई, कौन बता सकता है? सवाल दोबारा। मैंने कहा कि स्टार इज टू ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। व्हाई आई हैव नॉट talking about the minus or division. So minus का मतलब है उसे उसी का plus, उसी का उल्टा हो जाएगा। हाँ, उसका उल्टा plus, उल्टा plus। Yeah, but subtraction is defined on the basis of addition, and division also defined on the basis of multiplication. So the both are treated in the same. Okay. So that's why they that's we use the binary equation plus. Plus में वो negative भी है. So that's good. If g मतलब माइनस नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो वो सब्ट्रैक्शन होती है आपके नजदीक, और प्लस नंबर प्लस में प्लस नंबर को ऐड करते हैं, असल में वो एडिशन ही होती है, लेकिन नेगेटिव नंबर की एडिशन होती है। ठीक है, और जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन के रिवर्स वाले नंबर, यानी ये भी एक नंबर ही है ना। अगर एन नंबर है, एन इज द एलिमेंट ऑफ नंबर, ठीक है, तो ये कांस्टेंट का है, वन बाई एन भी तो एक एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट का ही होगा ना। यस सर, सी सो दैट्स व्हाई जो है ना वो नंबर जो है उसका दैट इज डिफरेंट नंबर बट दैट इज आल्सो अ नंबर। सो दैट्स व्हाई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ट्रीटेड एज अ डिवीजन इज आल्सो ट्रीटेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। ओके, यस, एंड नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज एडिंग ऑफ नेगेटिव, एडिशन ऑफ द नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअली नंबर इज चेंजिंग, ऑपरेशन इज ऑडिशन ऑन अ मल्टीप्लिकेशन। 1 बाय n इज अ डिफरेंट नंबर, 1 बाय n इज आल्सो अ नंबर बट दैट इज विल बी द डिफरेंट नंबर, सो सो दिस विल बी सो n i मल्टीप्लाई बाय 1 बाय n, 1 इज इक्वल टू वन वन को। ओके, सॉरी, इसको मैं वन प्राइम कह रहे, तो ये टू कह रहे, ये कोई टू नंबर है। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, ओके। इसी तरह एडिशन, माइनस एन इज माइनस एन वन इज एन टू। यस सर, तो वन बाई एन एक नया नंबर है, दैट इज एन टू। सो इफ आई मल्टीप्लाई विद एन टू इट मीन आई एम डिवाइडिंग विद वन बाई एन। इसी तरह एन टू, एन टू इज माइनस एन वन, ठीक है, नेगेटिव ऑफ माइनस, ठीक है, दैट इज न्यू नंबर। अगर मैं एन टू को ऐड करूँ तो इस नंबर में that mean the addition is actually the subtraction of negative number and the division is actually the multiplication of divided number, okay, inverse number. Okay, so that's why that is excluded. Okay,
So if you have a G1, G2 are different numbers or elements, okay, and that will be element of group. This G will be a group element, okay, and this will operation under binary relation, okay, binary relations. Relation that may be a addition. Binary operation क्या है? Addition and multiplication. They may be addition and multiplication. To be group, G1 will be element of group if and only if it is satisfies some condition. What are the direct conditions? Number one, closer property must satisfy. And what is the closer property? Means if G1 is element of the this, closer property kya hoti hai? If this is whatever the binary operation you are applying, that must be also element of that. Okay? Means if G1 to Gn are element of G, their G1, G2, G3. Gn must be element of G. के जो एलिमेंट है उसके उनकी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन भी, मतलब अगर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी उसी एलिमेंट का हिस्सा होना चाहिए. तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ क्लोजर. Second, community identity, community under addition. No, associative. What is that associative? If you have a three different element, GL cross one two से ऐसा लगता है कि पहला या दूसरा. Any element, if you choose the any element from the G, three element GL M N. If you changing the order, mean if you add first MNN and then GN first, or if you add apply binary operation on first two element, they will be equal. And if they remain the equal, then that will be defined as the associative property. Yes. Third property is kya hoga? Closer associative. And third, additive identity. Tum vector space pe jao. Not the vector space. Identity. For all different G's, additive identity element must be not zero, not necessary zero. It will be a different. नहीं addition जरूरी नहीं है. हम कर रहे हैं binary operation. That will be for a particular operation as well as for addition. यानी अगर multiplication है तो multiplication के लिए, और अगर addition है तो उसके लिए. ये तो हम दोनों को करते हैं group में.
देर मस्ट एग्जिस्ट, देर मस्ट इसका मतलब यही है, देर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट फॉर एवरी जीएल और एवरी एलिमेंट ऑफ जी और एवरी एलिमेंट ऑफ जी फॉर अ यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट फॉर एवरी जी एल देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट फॉर एवरी जी एल एलिमेंट ऑफ जी जी नहीं मैं गलत लिखा सॉरी ये था वर्ड्स के लिए फॉर एंड मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक नॉट डिस्टिंक्ट यूनिक वो ठीक था मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक 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 एलिमेंट नॉट डिस्टिंक्ट Yes, sir. There must exist a unique element for every G L. That is the same. Okay? Must be element of G. Okay. For every G L, there must exist a for every element of G, there must exist a G element of G, ठीक है? उसका हर GL के लिए G element exist करना चाहिए, which is defined as किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए व्हेन वी ऐड अ जी एल हर जी एल ए की जी सेम जी ठीक है यूनिक ठीक है जी ई एलिमेंट ऑफ जी विच इज डिफाइंड एज आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट If you multiply, if you take a binary operation from right or a left, there is no change. G remains the same. That will be defined as a identity. Okay. Yes, sir. So there will be only one. Okay. Her element is A. But this is not a case for inverse identity. Sorry, inverse. What property inverse? Inverse element ke liye for every GL element of G there must exist a distinct different ठीक है GL inverse ठीक है अच्छा यहां कोई और ले लो जी पी ले लो ताकि एल मेरा खाला कंफ्यूज था जी पी ठीक है पर जी पी एलिमेंट दे मस्ट एग्जिस्ट अ डिस्ट आर यूनिक डिस्टिंक्ट यूनिक भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो यूनिक
डिस्टिंक्ट, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। जी पी इनवर्स, यहां देखो ये निश्चित है, इसमें एक ही, इसको भी पी का, इज अ वन बट इनवर्स इज डिफरेंट, एक से ज्यादा, ठीक है सर। सर हम जी वन जी टू जी थ्री यूज नहीं कर सकते, जी पी और नहीं, पी इज एनी नंबर, वन टू थ्री से आप कोई एक खास नहीं देखो, यानी जी एन वर्स दैट मस्ट बी आल्सो एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, इसको भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। इन सच अ वे इफ वी define जो कुछ भी define हुआ था, ये नहीं जो define हुआ थर्ड में, that must not be different, so in that case that will be defined as a group, that is the four properties of the group, okay? Yes sir. Okay, so if these four property will be satisfied, then that will be defined as a group. Abelian group. Our next topic is the abelian group, and that is also defined as a कमोटेटिव ग्रुप, ओके, अबेलियन ग्रुप इज आल्सो डिफाइंड एज अ कमोटेटिव ग्रुप, ओके, ये तो ग्रुप की फोर प्रॉपर्टीज हो गई। अगर इन फोर प्रॉपर्टीज के साथ एक पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करें, इफ दैट इज सेटिस्फाई द फोर प्रॉपर्टी, देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ ग्रुप, बट इफ इट सेटिस्फाई द फाइव प्रॉपर्टी, देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ अबेलियन। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ जी पी एल जी क्यू एंड जी क्यू If order, if we replace the order, they, it was not affected, then that will be defined as a abelian. Okay? Yes. So, if all five properties will be satisfied, then that will be defined as a abelian group under whatever, the, under the binary operation star. If the star operation is a plus, then that will be defined as a abelian group under addition. If the star is a multiplication, then that will be defined as abelian group under multiplication. ठीक है? If the star, समय फिर दोबारा repeat कर देता हूँ. If
the five properties with addition satisfy, then that will be defined as a group under addition, abelian group under addition. If that is satisfied, if that obey these five property under multiplication, then that will be defined as abelian group under multiplication. If the four properties will be satisfied, then that will be defined simple group. That will be not. If fifth property is not satisfied, even then that will be defined as a group. Okay. But our topic is not group. I have already explained our target is our course kiske baare mein. Our course is only about the simple AK. Kya hai sara course mein humne sirf vector. Vector ke alawa humne kuch nahi padha. So the most simplest course ke sirf humne vector hi padha. That's why our topic is the vectors. Group is also part of vector, sir. Haan ji. Ek khas kisam ki group element ko vector kehte hain. Theek hai. Wo kya hai? Vectors. Our topic is vectors. As I have already told, I have already explained, there are many quantities which have a magnitude, unit, and direction. Like we have also proved by doing this some simple experiment that there are some quantities like a current and a rotation which have a magnitude, unit, and direction. But they are not a vectors. So it means the old definition of vector is not a correct. So we have to consider the vectors with new definition. What are the actually the vectors? Yes, sir. So as you know that if you have a different vector and have a different dimension, they can't be added from each other. You can't add the force in. You can't add the yes, force. A force may part nahi add kar sakte, velocity may acceleration add nahi kar sakte. So vectors are like a group. They obey the properties of the group. नंबर तो वेक्टर अभी ग्रुप होंगे ना अभी ग्रुप मैं पहले बता रहा हूं कि वो कैसे आए प्रॉपर्टी. एक तो आपको पता है वेक्टर्स अपने सेम जैसे इसमें कि जब उनको मल्टीप्लाई कर जो जब भी उनको उस अच्छा पहले एक बात अब छोटी छोटी चीजें खामियां से वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड वेक्टर कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता ये जेन Sir, in previous classes, vector multiplication is possible? No, multiplication is not possible. I know okay, you are talking about the inner product and outer product. I have already explained because you have missed that lecture. Okay. Inner product and cross product is not multiplication. Actually, inner product or dot product represent the effect of one vector on another, and cross product represent the area of that. Area program that is not yes. a vector, and all they are changing. You must watch the first lecture on the linear algebra. Yes. Okay. Okay. Yes, so sir. I will share that lecture with group. Okay. Yes. Sir. So I think you both have to cover that. Yes. Sir. So vectors are the simplest vector can't be multiplied. Masal ke taur pe you know that every vector if you have a v1 you may write it in vx vy vz. If you have a two vector that have a same dimension or a yes, same belong to the same class, vector must be belong to the same class. Yes, sir. If v1, if you have a two vector v1 and u v and u that is qx u2 they have two components. Three components. X prime, Y prime, Z. And every vector can be written in the form of the column matrix. You know that. Yes, sir. Yes. Okay. If you try to multiply V to U, the row matrix. This is three rows and three is three rows and one column. And you know that when you multiply V to U or U to V, there this will be a 3×1. And this will be a 3×1. Okay, so they can't be multiplied because a column is not equal to row. So vector can't be multiplied. Simple is that. I'm not going to be what is the transpose. ये सारा कुछ हम पहले discuss. मैं सिर्फ revision कर रहा हूँ कि इतनी सी बात कि you must know कि vector multiply नहीं हो सकता.
तो इन सारी चीजों को हमें कंबाइन करना है, इन सारी बातों को, ठीक है। एक्चुअली मैं ये बात वेक्टर कांट भी मल्टीप्लाई, the multiplication property, I mean under the group property of multiplication will be excluded. Okay. Multiplication is not defined for vector. Multiplication will be excluded for vector. So multiplication must be excluded within binary operation. हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का जिक्र नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूडेड। तो वेक्टर्स के लिए ये बात ही डिफाइन नहीं है। तो वेक्टर हैव अ वन प्रॉपर्टी, दैट इज एडिशन, जस्ट ओनली द एडिशन। So everything we will talk about the vectors, everything must be related only to the addition, not multiplication. No. So हम इसको exclude कर रहे हैं. Okay. So only addition will be discussed. तो हम सिर्फ वेक्टर के लिए एडिशन डिफाइन, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया? यस सर। एंड सेकंडली वी हैव ऑलरेडी प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड वेक्टर मस्ट सैटिस्फाई दी, I have already proved in the by using the head and tail rule in the previous lecture. I have already proved that ऐसे में सारी linear algebra जैसा वो linear vector vector होता है ना, vector algebra, but in broader sense उसको आप वेक्टर आम कैलकुलस में आप नहीं देख सकते, ठीक है। सो सेकंडली वही हैव आर रेडी टू प्रूव दैट all vector must satisfy दो बातें मैं प्रूव कर रही एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव ऑर्डर भी चेंज किया था जी सर वो भी किया एसोसिएटिव एंड कमोटेटिव प्रॉपर्टी। यह मैंने आपको प्रूव करा दिया, ठीक है, करवा दिया हुआ है ना जी सर? हाँ जी करवाया। We have already proved that all vector must satisfy the associative and commutative property. Okay? Proof? Yes. नहीं। Yes. एसोसिएटिव भी उसके ऑर्डर भी चेंज हो रहे हैं और कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव भी इसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं उनके ऑर्डर को भी चेंज किया है और ऐसे भी चेंज किया ठीक है इसमें सारा कुछ आ गया ठीक है दैट्स इट द थर्ड इज अ
अंडर एडिशन, सॉरी सिर्फ नॉट अंडर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन पे तो वैसे ही बात करता हूँ, अंडर एडिशन ठीक है। थर्ड आई हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, ये भी मैंने ऑलरेडी प्रूव, वी हैव ऑलरेडी नाउ दैट वेक्टर विल बी एड इन द सेम क्लास क्लोज अप, वेक्टर मस्ट बी बिलोंग टू सेम क्लास एंड क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज ही होना चाहिए, जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो उसी क्लास से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है। If there is no change in a vector, if there is nothing add, the vector must be repeated. That must be identity भी होनी चाहिए और inverse भी होनी चाहिए। हम कोई vector का reverse भी दे सकते हैं और ठीक है। So additive and additive identity and inverse must be and others etc. ठीक है, so when we collect all these data about the vectors in combined sense I may write के vector must satisfy these properties. So what is the vector or what will be the vector space? So, if I collect all these data from different scenarios, collected from the different scenarios, so what will be the vector space v1, v2, v3, vn will be element of PF vector over field F, ठीक है? That will be must be subset because it is combination of two like a function. Yes. It must be element of F cross V. V1 will be element of V, okay? There must be element V, K1, and K2, K3, and Kn will be element of F. Yes. Okay? And their combination. If we take the both will be the element of but Vf will be the cross product of Cartesian product of not cross Cartesian product of F over V, ठीक है? There are two different type of element, one is field element, one is the vector element, okay? If this not equal, sorry, इक्वल नहीं, एक कंडीशन आ जाए तो इक्वल नहीं होता, मैंने पहले आपको बताया, दे विल बी एलिमेंट ऑफ दे विल बी सबसेट क्योंकि देयर आर सम कंडीशन, व्हेन वी अप्लाई द कंडीशन द सेट विल बी बिकम अ स्मॉल, अगर एक चीज बड़ी है उसमें दरमियान में हम कुछ कंडीशन लगा देंगे तो वो स्मॉल सेट बन जाएगा, सबसेट हो गया, सबसेट देयर मस्ट बी अ सबसेट ऑफ वी क्रॉस है, ओके, one so their combination will be vector if we are a different element and F are a different element, field element, okay, and if we take the cross product, yes sir, Cartesian product. Not this is not multiplication, this is a Cartesian product. Okay.
देयर कॉम्बिनेशन जो ये कार्टेशियन जैसे फंक्शन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन क्या था एफ अल्फा इज द एक्चुअली बीटा इज द एलिमेंट वाज ये उसी तरह दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा क्रॉस बीटा ऐसे ही है यस सर यानी कि ये फंक्शन है हाँ ठीक है अल्फा का और बीटा का कार्टेशियन और इसी तरह वी एफ जो है वो कॉम्बिनेशन है इसका तो यानी आपके पास एक एफ एलिमेंट है और एक है वी एलिमेंट ये उसका ऑर्डर पेयर ठीक है सो दिस वे बट इन सब सेट के लिए और कंडीशन इनके लिए टू कंडीशन है इनके लिए फोर कंडीशन है कंडीशन देयर इज एक्चुअली बोथ ऑफ द सबसेट बट दे आर डिफरेंट सबसेट बिकॉज द कंडीशन फॉर दिस सेट इज डिफरेंट एंड कंडीशन फॉर दिस सेट इज डिफरेंट For this, there are two conditions. First element must not be repeated for to be function. First element must not be condition. Or first element must not be condition. Must not be repeated. As any first element, alpha must not be repeated. Yes, sir. For different keys. And second condition was all alpha must be used for every for beta. ठीक है? Yes, sir. But to be vectors, the condition is different. For vectors, we have discussed what will be the condition. What conditions are? Number one. Probability. Number one. Close. पहले हमने बात नहीं. Number one. Abelian. Under binary relation. Group not under. Binary operation is eliminated. Only the addition. Multiplication is abelian group must be abelian group under plus addition. Okay, because multiplication is excluded. वो माफी है उसे, ठीक है? उसको चेक करने की जरूरत है. Because why multiplication is excluded? Because for vectors we can't define the multiplication. Yes. So binary operation, multiplication, binary operation is excluded. Oh yes, we can multiply a field element with the vector. मिसाल के तौर पे acceleration है उसको दो नंबर तीन नंबर स्केल से मल्टीप्लाई कर सकते हो. वैक्टर टू वैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया क्या पांच प्रॉपर्टीज है कोई ना होना चाहिए नंबर वन Closer properties. Yes, property. Okay. Yes, sir. क्या V1, V2, V1 plus V2 plus V3 जो आपने Vn plus Vn that must be element of V. Same V की बात. Yes, sir. Not Vn. उसके लिए वन टू नहीं करेंगे वी पी प्लस वी क्यू प्लस वी एम वी पी प्लस वी क्यू इन वी क्यू प्लस वी एम आई हैव ऑलरेडी प्रूव this property you know that वो हमने उसमें लिखा कि ठीक है resultant must be remain the same yes sir the third property identity element identity
ऐसा लिखना चाहिए अंडर प्लस वन लिख प्लस माइनस में लिखे सर प्लस डिटी बटी मीन They must be the same. Okay. Yes, sir. Okay. And fourth is inverse element. बाकी वो बातें तो उसी टाइम लिख लोगे ना जिद बस भी ऐसे ही okay. वो तो मैंने पहले लिखवा दिया ना ग्रुप में इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा ठीक है वो लिखना है कि यूनिक आइडेंटिटी ठीक है वो जो बातें मैंने पहले लिखी हैं वो आप खुद लिख लेना ठीक है सर फोर्थ क्या आ जाएगा इनवर्स एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट Additive element mean if you have Vp plus Vp inverse that will be a different para that will be a distinct element they will be different for V1 that will be a different V2 that will be a V2 inverse V3 that will be a different para different yes sir. Identity will be same for every element but inverse will be a different for different element. वेक्टर जो सर वो भी वन के साथ मल्टीप्लाई हुई तो वन है तो सो डेट विल बी आ वी पी इनवर्स प्लस डिफाइन थ्री ये वो होना चाहिए जो पहले ठीक है फिर प्रॉपर्टी सर इसमें इक्वल टू वी वी पी नहीं होना जो वी ई लिखा आपने पहले नहीं इनवर्स से ई आएगा अब देखो मैंने वहां भी लिखा है जी सर इनवर्स से ई है जी जो यहां डिफाइन है वो वाला ई जो इधर दबा थर्ड ये वाला यही वाला इट शुड बी अ सेम अपनी तरफ से कुछ यहाँ नहीं आना चाहिए वही आना चाहिए ठीक है जी सर फिर प्रॉपर्टी कौन सी थी हमने कौन सी बात की है अबेलियन 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 की नहीं बात अबेलियन और कमोटेटिव इसे कमोटेटिव भी कहते हैं अबेलियन भी कहते हैं तो वो क्या है सर नीचे इज इक्वल टू ई है ओके अबेलियन प्रॉपर्टी क्या है वी पी प्लस वी पी प्लस वी प्लस वी क्यू इज इक्वल टू वी क्यू प्लस वी क्यू प्लस वी पी All these are the properties of V's only, not a field element. अभी ये वेक्टर नहीं पढ़ा। Yes sir. वेक्टर की अब बाकी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? This way, this is the this means that is the close under addition. Now we will apply the field properties. ये तो प्रॉपर्टीज सिर्फ वेक्टर्स की। Now what will be the behavior of the field element? Okay. Second property. If a field element
इज मल्टीप्लाई अ स्केलर नंबर इज अ मल्टीप्लाई बाय टी एनी टू नंबर्स ऑफ these any element of these if the field element is multiplied with the if field element k1 k2 are the field element okay if field element is multiplied with the v element they must obey this property they must multiply with the both element the k and p are any two element of the ना वेक्टर तो इसके बाद बनता है ये वी वन वी टू आर नॉट वेक्टर जब तक वो फील्ड की प्रॉपर्टीज को ना वेक्टर्स आर दिस दीज आर नॉट वेक्टर दीज आर नॉट वेक्टर सेपरेटली वी भी वेक्टर नहीं है और फील्ड भी वेक्टर नहीं है जब ये तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ वेक्टर अगर आप ये कह दो कि वी वन देखो वी वन तो एलिमेंट इन पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई बट इनका क्रॉस प्रोडक्ट फील्ड का और वी का सॉरी फिर मैं क्रॉस कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फील्ड का और जो है वी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे तो देन दैट विल बी डिफाइंड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज अ वेक्टर इज अ वेक्टर नॉट अ सिंपल ठीक है So there is difference between vector simple multiplication and Cartesian multiplication. Yes. And for this, you have to visit the last lecture. That is the very popular lecture. Yeah. So you must visit that lecture. Next answer to your question. And the third property, this is the first, second property. What is the third property? If we adding any two element of KP and KQ, yeah, M and M, if there is no change, then that will be defined. Third property will be said. Fourth property, what is the fourth property? Actually, you may ask why I have ordered, I have not changed the order. I have write M, N, and M, N in this way. Okay. You may ask why I have not changed the order. Actually, when you will study the supersymmetry, you know that number is always obey the or a field always obey the, मतलब आपकी अभी तक knowledge के मुताबिक field element या numbers जो है that will be obey the commutative property but when you will study the advanced particle physics there you will study the supersymmetry and in supersymmetries you will study the some numbers like Grassmann numbers that are non commuting numbers so there are numbers some numbers that are not commuting so that's why I have the careful about the order of this. So that's why order is important okay That's why I have not checked commutative property, but I have checked only the associative property with the field element, not commutative property. So they may be there is a possible the violation of the commutative properties of the field between the field elements. Yes. Okay. So fifth. The multiplication exists between the field element, not vector element, but field element may be multiplied. Okay. Yes, sir. And when you multiply a one with the v, vp, there must be vp. Okay. So these five properties must be satisfied to be a vector. Yes. Sir.
ओके सो साफ कर दो सर। इतना काफी।